एक बार एक लड़का जो है भागता भागता अपने पिता के पास पहुंचा और अपने पिता से पूछने लगा, पिताजी मेरी जिंदगी की वैल्यू क्या है। उसके पिता ने अपने बच्चे की बात सुनी और उससे एक अच्छा सबक सिखाने के लिए उसे एक चमकीला पत्थर दिया जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता था। उसके पिता ने कहा कि तुम इस पत्थर को लेकर मार्केट में जाओ और अगर कोई इससे तुमसे भाव पूछे कि इस पत्थर का भाव क्या है तो तुम उसे दो उंगली दिखा देना और कुछ मत बोलना। तो यह लड़का जो है उस पत्थर को लेकर मार्केट में पहुंचा और कुछ देर उदासी के साथ वो बैठा रहा, सोचता रहा कि आखिर यह पत्थर हमारी जिंदगी की वैल्यू को कैसे समझाएगा, कैसे बताएगा। तो वहां से एक बूढ़ी औरत गुजर रही थी। जब उसकी नजर इस पत्थर पे पड़ी तो वह बूढ़ी औरत इस लड़के के पास आई और पूछने लगी कि बेटा यह पत्थर आप तुम्हें कहां मिला, मैं यह पत्थर को खरीदना चाहती हूं, तुम मुझे इस पत्थर को कितने दाम में दोगे। तो इस लड़के ने अपने पिता द्वारा कही बात को सुना था और उसे को फॉलो करते हुए यह चुप रहा और अंत में इसने दो उंगली उठा दी। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा इस पत्थर के तुम 200 रुपए लोगे। तो ये लड़का जो है भागते भागते अपने पिता के पास आया और कहा, मार्केट में एक औरत मुझे इस पत्थर के 200 रुपए देने के लिए तैयार है। तो उसके पिता ने कहा, अच्छा। उसके पिता ने कहा, इस बार तुम अपने पास के एक म्यूजियम में जाओ और वहां पर जो है इस पत्थर का भाव जानो और जब भी तुम्हें कोई पूछे तो तुम अपनी दो उंगली उठा देना, उससे ज्यादा कुछ मत बोलना। तो यह बच्चा वहां से निकला और अपने पास के एक बहुत बड़े म्यूजियम में पहुंचा और वहां पर इस पत्थर को लेकर बैठा हुआ था। तो वहां से एक सज्जन पुरुष गुजर रहा था और उसने जब इस पत्थर को देखा तो कहा, बेटा तुम्हें इस पत्थर को कहां मिला, इस पत्थर को मैं खरीदना चाहता हूँ, इस पत्थर को काफी दिनों से मुझे तलाश है, क्या तुम मुझे इस पत्थर को दे सकते हो, कितना पैसा लोगे। तब तक यह लड़का चुप रहा। जब उस आदमी ने फिर से पूछा कि इस पत्थर का कितना लोगे तो इस लड़के ने दो उंगली उठा दी। तो उस सज्जन पुरुष ने कहा, अच्छा 20,000 रुपए चाहिए तुम्हें इस पत्थर के, मैं देने के लिए तैयार। तो वह लड़का जो है फिर से अपने पिताजी के पास आया और कहा, पिताजी म्यूजियम में इस पत्थर का दाम मुझे 20,000 देने के लिए एक पर्सन तैयार है। तो उसके पिता ने कहा, अच्छा। तो उसके पिता ने कहा कि इस बार मैं तुम्हें एक लास्ट जगह भेज रहा हूँ, तुम वहां पर जाओ और तब पता करो कि इस पत्थर की क्या वैल्यू है। अपने पास के एक जो सबसे बड़े जो हीरे के व्यापारी रहते हैं वहां पर जाना है, वहां पर इस पत्थर को दिखाना है। अगर वो पूछेगा कि इस पत्थर की कीमत क्या है तब भी आपको चुप रहना है और केवल दो उंगली उठाना है। तो यह लड़का जो है वहां से निकला और अपने पास के सबसे बड़े हीरे व्यापारी के यहाँ पहुंचा। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था और उसने जैसे ही इस बच्चे के हाथ में पत्थर देखा और बोला, बेटा तुम्हें यह पत्थर कहाँ मिला, मैंने आज तक इतना ज्यादा चमकीला पत्थर नहीं देखा, तुम्हें किसने दिया इस पत्थर को, क्या तुम इसे बेचोगे, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, काफी टाइम से मुझे इस पत्थर की तलाश है। कहा कि आप जितना भी रकम चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे ये पत्थर दे दो। तब तक वो लड़का चुप रहा और अंत में दो उंगली उठा दी और तब बूढ़े आदमी ने कहा, अच्छा तुम्हें इस पत्थर के 20,00,000 रुपए चाहिए, मैं देने के लिए रेडी। तो यह लड़का भागा भागा अपने पिता के पास आया और कहा, पिताजी वो बूढ़ा इंसान मुझे 20,00,000 रुपए देने के लिए तैयार है इस पत्थर का। तो उसके पिता ने अपने बेटे के हाथ से पत्थर लिया और कहा, बेटा जिंदगी की वैल्यू क्या है वो आप पर डिपेंड करती है कि आप अपनी जिंदगी को कहाँ लगाते हो। आप अगर अपनी जिंदगी को किसी खराब काम में लगाओगे तो आपकी कीमत कूड़े के भाव में रहेगी। अगर आप अपनी जिंदगी को कहीं अच्छी जगह पर लगाओगे तो आपकी कीमत करोड़ों में भी हो सकती है। अब आपको डिफाइन करना है कि आपकी कीमत 200 रुपए है या 20,00,000 रुपए है, यह आप पर डिपेंड करता है। आपके आसपास के लोग जो है जो आपसे प्यार करते होंगे वो आपकी कीमत जानते होंगे, वहां पर आपकी कीमत बहुत बड़ी है। लेकिन जो लोग आपसे नफरत करते होंगे वहीं पर आपकी कीमत जीरो हो सकती है। सारा कुछ माइंडसेट का खेल है और सारा कुछ आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आप अपनी वैल्यू कितना आंकते हो। जिंदगी में आप उतना ही कमाओगे जितनी आपकी वैल्यू है। पैसों के पीछे भागना बंद करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपने ऊपर काम करो। जितना हम अपने ऊपर काम करेंगे उतनी ही हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.